चेकअप के लिए आती हैं। मैं यही कहूँगा, अगर इतनी गर्मी में यहाँ पे पंखे भी नहीं देख रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, पंखे भी नहीं हैं, सभी गर्भवती महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है गर्भवती महिलाएं हैं, और इधर दिखा देता हूँ, पंखे भी नहीं प्रोवाइड किए हुए। ये डिस्पेंसरी है जो कि आज़ाद नगर में है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नफ्सुल लाइव आवाज़ की। प्रिय दर्शकों, बता देते हैं आज़ाद नगर की जो डिस्पेंसरी है सरकारी डिस्पेंसरी के बाद हम मौजूद हैं, और दिखा देते हैं ये डिस्पेंसरी के जो अब हालात हैं, हम आपको अंदर लेके जाएंगे, और यहाँ पे सर्जन भी खड़ा, इनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालात बड़े बेहाल बताए जा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं का यहाँ पे चेकअप होता है, मगर पंखों के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये प्राइवेट बिल्डिंग है। क्या क्या है पूरी सुविधा, इनसे बात करते हैं, बताएंगे क्या है अंदर की सुविधा। देखो, मैं रण सिंह पवार, चेयरमैन पब्लिक मीडिया फोर्स ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, और आज जैसे सुबह हमें सूचना मिली थी कि ये UHC है, अर्बन हेल्थ सेंटर यहाँ आज़ाद नगर का, इसके अंदर हम आए कि सुबह यहाँ महिलाएं काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में यहाँ प्रेग्नेंट महिलाएं आती है, गर्भवती महिलाएं आती हैं, और उनके लिए यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई कि भी उनके बैठने के लिए या उनके पंखे वगैरह नहीं थे। इस कारण से हमें जो है यहाँ पता चला कि एक महिला यहाँ सुबह चक्कर खा करके पड़ गई थी जी। तो अंदर भी चलेंगे आगे मेरे साथ जी। अभी आए हैं हम यहाँ पे, पता किया है हमने, अंदर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा महिलाओं के लिए बैठने की या हवा के लिए, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, लोग बाग के लिए जो असुविधा हो रही है, इसके लिए हम यहाँ पे आए थे और पता किया, तो वाकई में ही इन महिलाओं के कंजेस्टेड एरिया है ये बिल्कुल, और इसके अंदर किसी प्रकार का पंखा वगैरह नहीं पाया गया। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हेल्थ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे इस साइड का एरिया देखेंगे तो यहाँ पे महिलाएं बैठी काफी, ये पता जा रहा है गर्भवती महिलाएं यहाँ चेकअप करा रहे हैं, लगभग बच्चे देख सकते हैं आप, छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं मौजूद, इस तरफ दिखाएंगे बैठने के। मैं बताऊंगा प्रिय दर्शकों, यहाँ पंखे भी नहीं हैं, यहाँ पंखे भी नहीं हैं, ये जो हालात है ये डिस्पेंसरी के, UHC के अंदर पंखे लगने चाहिए इन महिलाओं के लिए, और जल्द से जल्द जो है ना व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ये महिलाएं जो परेशानी का सामना यहाँ दवाई लेने के लिए आती है, जांच के लिए आती है, तो इनको परेशानी होती है। और यहाँ पिछले दिनों बताया जाता है डॉक्टर कमल गुप्ता जो निकाय मंत्री हिसार है, DC है, और भी बहुत सारे प्रशासनिक अमले ने यहाँ पे आए थे पीछे 1 मई को लगभग बताया जा रहा है, तो भी यहाँ पे कोई अभी तक कोई, केवल एक पंखा है, मैं दिखा देता हूँ, केवल ये एक पंखा है, और कूलर है सिर्फ स्टाफ के लिए, मगर बाहर कुछ भी नहीं, मरीजों के लिए नहीं है, ये भी जो यहाँ पे बैठता है रिकॉर्ड मेंटेन करता है उनके लिए है, मरीजों के लिए यहाँ कोई पंखा नहीं है। आप देख रहे हैं ये कूलर चल रहा है, ये कूलर ये सिर्फ स्टाफ के लिए है, स्टाफ के लिए है, यहाँ पे जो माता बहने बैठी है ये, आपको गर्मी नहीं लगी माता जी, पंखा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, क्या कहेंगे हालात जो है, इसको कैसे पता है, लगना चाहिए पंखा, लगना चाहिए। देखिए बच्चे बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, आपको गर्मी नहीं लग रही है, पंखा नहीं है, लग रहा ना भैया गर्मी, गर्मी लग रहा है जी भैया, मगर पंखा तो नहीं है यहाँ पे, तो पंखा तो रहना चाहिए, सुविधा तो सरकार ना करेगा भैया, कि हम लोग की क्या, हम लोग तो सुविधा नहीं दे रही है जी भैया। अच्छा, कितने महीने का बच्चा है आपका? 2 महीने, 2 महीने का, देखिए 2 महीने का बच्चा है, और यहाँ पंखा की कोई सुविधा नहीं है। मैं सीधी रिपोर्टिंग जो है आज़ाद नगर की डिस्पेंसरी से जैसे सामने दिखा देता हूँ, केवल एक पंखा है, मगर स्टाफ के लिए यहाँ कूलर है, और मरीजों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। और सूत्रों के हवाले से एक और खबर आती है कि बिल्डिंग भी जो है प्राइवेट है, तो मैं आगे भी जुड़ने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर जो लोग हैं बड़े ही कंजेस्टेड खड़े हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं लाइन में? अभी आए हैं, पंखा नहीं है या कुछ कहेंगे नहीं जी। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है आज़ाद नगर की, बड़ा ही कंजेस्टेड है, और ये प्रेग्नेंट वुमेंस भी है, गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आती हैं चेकअप कराने, मगर यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। देख रहे हैं कितना कंजेस्टेड है ये एरिया, और गर्मी का जो तापमान बताया जा रहा है 45 डिग्री या 45 डिग्री में ये हालात है। तो मैं यही कहूँगा, सरकार से यही अपील करूँगा कि ध्यान दें, अगर मरीज बिना पंखों के यहाँ पे मरीज बैठते हैं तो बीमारियों का और न्योता दिया जा रहा है। और अंदर भी मैं दिखा देता हूँ, जो अंदर की तस्वीर है,
ये अंदर ऑफिस की तस्वीर है जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टाफ के लिए तो कूलर है मगर मरीजों के लिए कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात आती है। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आगे की अपडेट देता रहूँगा, तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।